dear students, how are you all? You all are fine, right? This side your teacher from Mrs. Convent School, Bhupyambur Pratapgarh. So let's start today's maths class, students. Quickly open your books. So as you can see, this is our first chapter. हम जो कर रहे हैं अभी rational numbers, right? So rational numbers में हमने exercise 1.1 पूरी कर ली थी. बाकी क्या था हमारा 1.2 तक हम पहुँचने वाले हैं. ठीक है, जिसमें हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स डिस्कस कर लिए हैं. बाकी क्या है, जो ऑल्टरनेट मेथड था हमारा, है ना, वहाँ से हमें स्टार्ट करना था आज, जो कि अनदर मेथड, जिसमें हम एक बार दोबारा से पिछली क्लास में जो डिस्कस किया क्विकली रिवाइज करते हैं विद इन 30 सेकेंड्स. चलो, 6 है, -5/6 आप यहाँ पे देख रहे हो, तो 6 का मतलब क्या है, ये डिनोमिनेटर क्या बताता है कि एक यूनिट को 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया. जैसे 5/8, ये क्या बताता है, 8 यहाँ पे, 8 बताता है कि एक यूनिट को 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया. लेकिन अगर बोला इन दोनों के बीच के रैशनल नंबर बताओ तो कैसे बताओगे, दिक्कत होगी. तो सबसे बढ़िया, नीचे की जो डिनोमिनेटर है उनको इक्वल कर दो. और कैसे कर सकते हो, एलसीएम ले लो. 6 और 8 का एलसीएम क्या है, 24. बस उस 24 पे मतलब डिनोमिनेटर 24 बना दो. तो कैसे करोगे, जिस नंबर से आप डिनोमिनेटर पे मल्टीप्लाई करोगे वही नंबर से आप न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई करना. तो 24 बनाने के लिए 6 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऑफकोर्स 6 4 24, तो 4 से मल्टीप्लाई किया डिनोमिनेटर में, तो न्यूमिनेटर में भी तो नंबर क्या मिला, -20/24, जो कि है क्या, -5/6 ही है. कैंसिल करोगे तो वही आएगा, राइट. और 5/8 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड, 3 से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड भी कर दिया 3 से, जो कि क्या हुआ, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई हुआ और न्यूमिनेटर मल्टीप्लाई हुआ, तो 15/24 आया. ठीक है, आप क्या लिख सकते हैं, ऑफकोर्स लिख सकते हैं -20/24 है और -15/24 है, पॉजिटिव है, तो इनके बीच के सारे नंबर लिख दो. कहाँ से स्टार्ट करो, -19/24, -18/24 एज एंड सो ऑन. ठीक है, चलो अब अनदर मेथड देखते हैं. लेट अस फाइंड रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 और 2. 1 और 2 के बीच में अगर रैशनल नंबर बताने हैं तो कैसे बता सकते हो, वन ऑफ देम इज 1.5, उनमें से क्या है 1.5, है ना, 1 और 2 के बीच का एक मीडियन, जो एक बीच का नंबर है ना, तो कैसे मिलेगा, आपने 1+2 किया जो कि क्या आया 3, उसको डिवाइड कर दिया 2 से, तो क्या आएगा 1.5, जिसको आप क्या लिख सकते हो, 1 whole 1/2. ठीक है, दिस इज़ द मीन ऑफ 1 और 2. वही क्या है मीन, मीन मतलब दोनों को ऐड करो और डिवाइड कर दो 2 से, तो 1+2 किया 3 आया, अपॉन कितने नंबर हैं, 2 नंबर है, तो डिवाइड बाई 2, तो कितना आएगा 1.5, राइट. सो यू हैव स्टडीड मीन इन क्लास 7th, आपने पढ़ा भी है, राइट. सो वी फाइंड दैट बिटवीन, चलो अंडरलाइन करो, बिटवीन एनी टू गिवन नंबर्स वी नीड नॉट नेसेसरीली गेट अ इंटीजर बट देयर विल ऑलवेज लाई अ रैशनल नंबर. एक चीज़ तो आप समझ ही गए होंगे अभी तक कि कोई भी दो इंटीजर्स के बीच में ज़रूरी नहीं है कि एक इंटीजर हो, लेकिन रैशनल नंबर तो होगा ही होगा, राइट. हमने वो अभी पहले भी डिस्कस किया, ठीक है, पिछली क्लास में. सो इसको आप प्रॉपरली एक पॉइंट की तरह लिख लेना कॉपी में, ओके. चलो अब जल्दी से एग्जांपल देखते हैं. फाइंड अ रैशनल नंबर बिटवीन 1/4 और 1/2. तो अगर एक ही रैशनल नंबर बताना है 1/4 और 1/2 के बीच का, तो क्या कर सकते हो, दोनों को ऐड करो और डिवाइड कर दो 2 से. 2 से क्यों डिवाइड करेंगे, क्योंकि दो नंबर है ना 1 और 2. मीन एक एवरेज भी समझ सकते हो उसको, ठीक है. 1/4 1/2 ऐड किया, उसके बाद क्या किया, डिवाइड किया 2 से. तो वहीं पे वही कराए, देखो 1/4 + 1/2 / 2, तो यहाँ पे पहले इसको प्लस कर दिया, फिर जो आएगा उसको डिवाइड कर देंगे 2 से. चलो 1/4 + 1/2 कितना आएगा, 4 एल सी एम, यहाँ पे 1+2, क्यों, 2 2 = 4, तो 2 + 1 कितना आएगा 3, और यहाँ पे अपॉन 4. अब ये डिवाइडेड बाई 2, तो डिवाइडेड बाई 2 मतलब आपको ही पता है, डिवाइडेड को अगर इनटू में बदलना है तो क्या करना है, जो इसके जिससे डिवाइड कर रहे हो उसका रेसिप्रोकल ले लो. तो डिवाइड बाई 2 का रेसिप्रोकल क्या है, 1/2, और डिवाइड क्या हो जाएगा इनटू, राइट. तो इनटू 1/2 तो क्या हो जाएगा, 3 1 = 3, 4 2 = 8. तो ये क्या है, एक रैशनल नंबर दोनों के बीच का बताना था, बता दिया 3/8, राइट. तो दिस कैन बी सीन ऑन द नंबर लाइन ऑल्सो, इसको नंबर लाइन पे भी आप देख सकते हो. 3/8 कहाँ पे आएगा, 1/4 + 1/2 के एग्जैक्ट, 1/4 और 1/2 के एग्जैक्ट बीच में, ओके, यस. चलो, वी फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ ए बी विच इज सी. अब देखो कैसे किया, ए और बी के बीच का मिड पॉइंट फाइंड किया, है ना. अब वही जो मिड पॉइंट है वही क्या होगा हमारा, 3/8, राइट, यस. सो वी फाइंड दैट 1/4, अब देखो 1/4 और 1/2 के बीच का है ना 3/8, तो इसका मतलब क्या है, 3/8 1/4 से बड़ा होगा और 1/2 से छोटा होगा, क्योंकि उनके बीच में आ रहा है, राइट. सो 1/4 इज़ लेस देन 3/8 और 3/8 इज़ लेस देन 1/2, राइट. इफ़ ए एंड बी आर टू रैशनल नंबर्स, नाउ स्टूडेंट्स यू हैव टू राइट दिस डाउन इन योर कॉपी, ओके, विद अ प्रॉपर पॉइंट. क्या,
If A and B are two rational numbers, अगर A and B दो rational number हैं, then A plus B upon 2 is a rational number between A and B. ठीक है, तो ये क्या है, एक rational number होगा किसके किसके बीच का, A और B का, such that, और इसमें क्या चीज़ applicable है कि जो A है वो क्या होगा, वो छोटा होगा किससे, इस number से, और ये number किससे छोटा होगा, ये B से. ठीक है, सो ए इज़ लेस देन ए प्लस बी अपॉन टू एंड ए प्लस बी अपॉन टू विल बी लेस देन बी. सो दिस अगेन शोज दैट देर आर काउंटलेस नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू गिवन रैशनल नंबर. और यहाँ से ये भी पता चल जाता है कि किन्हीं भी दो रैशनल नंबर के बीच में आप बहुत ही काउंटलेस नंबर है, मतलब इतने कि आप काउंट भी ना कर सको. ओके, चलो बाकी ये एग्जाम्पल नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करते हैं.